भारत में जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है। जय श्री राम। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulations to the Prime Minister Modi on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. उन्होंने यहां आके एक एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहाँ इबादत होगी। सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपने प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें, आई एम गोइंग देयर मायसेल्फ। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जाम्पल टाइम्स स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC रिजल्ट में। दोस्तों, सभी को जय श्री राम, सभी को राम मंदिर के उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के जगह जगह, बड़े बड़े यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह राम मंदिर का उद्घोष हो रहा है। सब जगह बहुत बहुत बड़ी बड़ी रैली निकाली जा रही हैं और राम मंदिर के लिए शुभकामनाएँ दी जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में भी अब राम मंदिर की गूंज उठ चुकी है, वहाँ पर भी आए दिन दिन रात राम मंदिर के बारे में बात हो रही है। किस प्रकार राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने घर में दिवाली जरूर मनाएं और राम मंदिर के उद्घाटन के समय में अपने घर पे दीपक जलाएं, सभी को मिठाइयां दें, खुशियां बांटें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत में जो है वो आज संडे है, कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है, उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहां पे, काफी तैयारियां और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया, उन्होंने यहां आके एक एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया, वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप।
आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं, मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी चार और ऐसी मस्जिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे, 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे अगर मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा और इस पे ज्यादा सेंटी ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें। क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है, और दूसरा मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है, दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप हर अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे वो मर देंगे, तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है, चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, वो हम छोड़ देते हैं, झगड़ों में हम बिजी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इन्वाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें, आई एम गोइंग देयर मायसेल्फ। और मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं लोगों को उनके मजहब की बेस पे नहीं करता, मैं बल्कि अपने दोस्तों की हर खुशी के अंदर शरीक होता हूँ, हर दुख में शरीक होता हूँ। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब के ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेंपल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इस ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि जिस टेंपल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मस्जिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है, या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं, और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है हिस्ट्री है इस हवाले से, बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।